सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। नवें ब्लॉग दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टाइम लुधियाने तो रोपड़ और आनंदपुर साहब जाण वाले हाईवे ते खड़ा है। ए देखो ये हाईवे जिहड़ा इधर लुधियाने तो आउंदा है ते लुधियाने तो ये हाईवे इधर रोपड़ आनंदपुर साहब नूं जा रहा है। दराहे तो तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी ते स्थित रोपड़ साइड नूं और आनंदपुर साहब साइड नूं गुरद्वारा श्री कटाणा साहब के दर्शन करन दे लई पहुंचे हैं जी। ए देखो बिल्कुल नहर के किनारे के उपर यह जिहड़ा पुल है गुरद्वारा साहब नूं जांदा है वह अगे तुहानूं गुरद्वारा साहब भी नज़र आ रहा है बोर्ड के बिल्कुल उपर दी। गुरद्वारा साहिब पातशाही 6वीं अते 10वीं पिंड कटाणा साहब लुधियाना श्री देगसर साहिब। सो अज असी इस गुरद्वारा साहब के दर्शन दीदार करने हैं। जब असी इधर दराहे तो आने हैं तो यह पुल है जिहड़ा कटाणा साहिब पिंड नूं जांदा है ते इस पुल दे नाल ये जिहड़ी नहर जांदी है इनू जिहड़ी सरहंद नहर बोलदे हां असी। तो इस नहर दे देखो बिल्कुल किनारे ते स्थित है गुरद्वारा साहब। सो असी इहदे अज दर्शन दीदार करने हैं जी। हाँ जी संगत जी, ये रास्ता जिहड़ा असी जदों दराहे तो आए हैं पिंड कटाणा साहब तो इधर आ जाना है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन के काम करके जिहड़ा रास्ता बन रहा है तो रास्ते दे नाल ही एक स्थान बनया होया ये भी इतिहास नाल जुड़िया इहदे बारे दस दिया तुहानूं। तो नाल ही जिहड़ा ये गुरद्वारा साहब की देखो गड्डियां खड़ियां इधर पार्किंग आ जाती है। ये सारी गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग है जी और बिल्कुल शुरू तो लैके इत्थे तक ये सारी गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग है। ये देखो बहुत ही जिहड़ा नहर के किनारे बसिया बहुत ही रमणीक स्थान गुरद्वारा श्री देगसर साहिब और कटाणा साहिब। ये सारा जिहड़ा पार्किंग का स्थान खुली जगह पार्किंग दे लई गुरद्वारा साहब के बाहर मैं थोड़ा नेड़े करके दिखा देना तुहानू भाइयों वास्ते जिहड़े बाथरूम बने हैं तो फिर बीबिया वास्ते भी बाथरूम बने ने। सो गुरु साहब मीरी पीरी दे मालक पातशाही 6वीं श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी अते गुरु साहब 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की चरण छोह प्राप्त बड़ा इतिहास दे संभाल दे नाल गुरद्वारा श्री कटाणा साहब तुहानू नज़र आ रहा जी। गुरद्वारा श्री कटाणा साहब का ये जिहड़ा एंट्री गेट है उपर हले भी कंस्ट्रक्शन का काम है जिहड़ा वो चल रहा है तुसी देख सकते हो। गुरद्वारा साहब के नाल वो अगे तुहानू नज़र आ रही जिहड़ियां बाहर दुकानां होंदियां कुछ खाण पीण दे लई बच्चियां दे खिडौने रुमाल चंडियां वो सारियां दुकानां। सो गुरद्वारा श्री कटाणा साहब और देगसर साहब दोनों नामां दे नाल जाणिया जांदा सिख इतिहास नाल जुड़िया गुरद्वारा साहब। सो आओ संगत जी अगे वधदे हां जी श्री दरबार साहब के अंदर दर्शन करदे हां। दरबार साहब के दर्शनों के नाल नाल थोनू गुरद्वारा साहब के इतिहास बारे दसदे हां। दरबार साहब के विच उदां ही असीं जिदां ही एंट्री करांगे तां जिहड़ा बिल्कुल शांति दे नाल पहलां दर्शन करांगे फिर अगे वधदे जावांगे। गुरद्वारा श्री कटाणा साहब देगसर साहब आओ संगत जी अगे दर्शन करिए जी। हाँ जी संगत जी, गुरद्वारा साहब का बिल्कुल एंट्री गेट के सामने पहुँच गए हैं जी। तो ये बिल्कुल नाल जिहड़ियां दुकानां दी आपां गल करदे सी वो सारियां बनियां ने। दो रस्ते है जी, एक रस्ता इधर तो आउंदा लेकिन आपां इस रस्ते तो आए हाँ इस साइड तो वापसी आ जिहड़ी वो फिर इस रस्ते तो करांगे। सो आओ पहलां गुरद्वारा साहब एंट्री करदे हां जी। सो बिल्कुल सामने दरबार साहब की एंट्री गुरद्वारा श्री देगसर साहिब कटाणा साहिब। संगत जी अंदर बहुत वधिया जिहड़ा पार्क देखो संगतां दे विश्राम लई बैठण लई रहण दे लई कमरे ते उस दे नाल ही बिल्कुल जिहड़ी गुरद्वारा साहब की मेन इमारत कह लिए जां गुरद्वारा साहब का जिहड़ा
दरबार साहब कह लिए दो निशान साहबा नाल सुशोभित गुरद्वारा श्री देगसर साहिब ते थोड़ा इतिहास बारे जानते हैं जी। सो कहा जाता है कि इतिहास विच भी लिखे है कि जेड़े साडे सिख इतिहास के पातशाही छेवीं जी सी वो इस गुरद्वारा साहब जड़ियां 11 तोपां ते 1100 घोड़ियां दे नाल पहुँचे सी तां वो तोपां भी इत्थे हैगियां ने जी। तां उन्हां ने अंदर बेर साहब बनिया उहदे नाल अपना जिहड़ा घोड़ा वो बनिया सी तां वो बेर साहब जिहड़ा अंदर बनिया वह भी तुहानूं दिखाउने आ। जिहड़े दसवें पातशाही अपने गुरु गोबिंद सिंह जी वह भी इत्थे पहुँचे सी उन्होंने विश्राम करिया सी ते उसे बेर साहब दे थले विश्राम करिया ते बेर साहब जिहड़ा उत्थे देग बना के उन्होंने जिहड़ी संगतां नूं बुला के देग वंडी इसे करके गुरद्वारा देगसर साहिब नाम रखिया। जदों पातशाही छेवीं आए सी उदों इस गुरद्वारा साहब का जिहड़ा नाम श्री दमदमा साहिब रखिया गया सी। फिर बाद दे विच साडे दसवें पातशाही आए तो उन्होंने गुरद्वारा साहब का नाम श्री देगसर साहिब रखता। अंदर जिहड़ी बेर साहब बनी है उहदे नाल बहुत वड्डा इतिहास जुड़िया वो भी तुहानूं सारा जिहड़ा इतिहास दिखाउने आ। इस तों बिना इतिहास दसण दे विच अगर कोई गलती हो गई होवे इतिहास जिहड़ा हैगा थोड़ा तुहानूं दस्सिया उहदे च कोई गलती हो गई तां उहदी सुधार दे लई जां उस नूं जानण दे लई साढ़े कोल गुरद्वारा साहब दे इतिहास दे जिहड़े बोर्ड है वह बिल्कुल लगे आ इत्थे। वो तुहानूं मैं नेड़े करके एक दो मिनट दे जिहड़ा हैगा सकिंटां दे हिसाब नाल तुसीं उहनूं रोक के जिहड़ा पढ़ सकदे हो। यह देखो सब तो पहला तो जिहड़ी नहर है नहर संबंधी इतिहास तो सारा लिखिया कि किदां जिहड़ा अंग्रेज़ इंजीनियर समिथ बेरी साहब बढ़न लगा जो अंदर बनया बेर साहब तो वह अन्ना हो जाता है फिर 51 रुपए की देग करा के सजाखा होया। इस करके जिहड़ी नहर है वो बिच दी नहीं निगाई गई तो फिर नहर दे विच थोड़ा वल पाया है। अगर आप ध्यान ना देखो तुहानूं गुरद्वारा साहब का उपर तो व्यू दिखावांगे उहदे नाल तुसीं नहर देख सकदे हो। यह आ गया जी साडा संखेप इतिहास पातशाही छेवीं संबंधी अते पातशाही दसवीं संबंधी। सो इस नूं भी तुसीं जिहड़ियां मैं 11 तोपां कह रहा सी 7 तोपां ते 1100 घोड़सवार ते चंदू कैदी जिहड़े श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करवाउण वाला 52 कलियां वाला जामा जिहड़ा इस जिस नाल ग्वालियर दे किले विचों 52 कैदी राजे छुड़ाए सन। सो गुरु पातशाही छेवीं जिहड़े हैगे आ उहनां दा इह सारा इतिहास ते इस सच्चाई दमदमा साहिब अखवाया उस तों बाद देगसर साहिब रखिया पातशाही दसवीं जी ने। इस तों बिना जिहड़ी गुरद्वारा साहिब दे विच जिहड़ी कार सेवा दी जिहड़ी हमेशा ही इह सेवा जिहड़ी चलदी रहिंदी है। सो आओ जी अगे वधदे आं गुरद्वारा श्री देगसर साहिब कटाणा साहिब। जी संगत जी इधर जोड़ा कर जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 51 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾਖਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਆਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 7 ਤੋਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
कड़ाह प्रसाद की देखते लिए परचियां तो कड़ाह प्रसाद असी वह भी इतों प्राप्त कर सकते हैं। आओ जी अगे बढ़ते हैं जी संगत जी। हाँ जी संगत जी देखो सरोवर के बिल्कुल नाल कड़ाह प्रसाद के लिए स्थान बनया हुआ जी। जदों इधरों एंट्री करते हैं तो गुरद्वारा साहब के सज्जे हाथ असी कह सकते हैं सरोवर तो कड़ाह प्रसाद के लिए स्थान। उस तो बाद इतों कड़ाह प्रसाद तुसी लैके असी इतों वापसी कर सकते हैं दरबार साहब वालू। निशान साहब बने दरबार साहब के असी बिल्कुल मेन गेट पर आ गए। फिर यह देखो काउंटर कड़ाह प्रसाद इधर है। सो ये सारा ये एंट्री वाला स्थान आ गया जी। ठीक है अगे कमरे भी बने हुए रहने के लिए। सो पहुँचे हैं जी गुरद्वारा श्री कटाणा साहब। दरबार साहब के दर्शन कर लिया हूँ गुरु के लंगर वाल वधदे हैं। एक लंगर जिहड़ा दिल्ली वाले बाबा जी वालों कार सेवा चल रही है उन्होंने वालों भी चल रहा है। उस तो बिना उस साइड जो भी स्थान बने हुए है उन्होंने सारिया का दर्शन कर रहे हैं। सो अगे बढ़ रहे हैं जी गुरद्वारा श्री कटाणा साहब गुरद्वारा श्री देगसर साहब। संगत जी जिदा ही दरबार साहब के खब्बे हाथ आने जी बहुत ही शानदार खंडा साहब जिहड़ा सुशोभित है जी। बड़े बड़े जिहड़ा हैगा साइज़ दे विच कह सकते हैं बहुत शानदार लग रहा है बहुत वधिया। उस दे नाल ही दरबार साहब के खब्बे हाथ तुसी अस्थान के दर्शन कर सकते हो। सचखंड वसे निरंकार सुख आसन स्थान वाहिगुरू जी कृपा करनी सच्चे पातशाह महाराज जी। सो गुरद्वारा श्री कटाणा साहब देगसर साहब दराहे तो तकरीबन 5 किलोमीटर जिहड़ा हैगा रोपड़ और आनंदपुर साहब दे रोड ते स्थित नहर दे बिल्कुल नाल गुरद्वारा साहब दे खब्बे हाथ जिहड़ा है मैं इस टाइम है ते खब्बे हाथ नूं आ के असी जिहड़ी नहर गुरद्वारा साहब के विच दी कढ़न की कोशिश की गई अंग्रेज़ों वालों तो अंग्रेज़ अफसर जिहड़ा वो अन्ना हो गया सी बेर साहब नूं जदों कट्टण लगे। ये देखो ये नहर है वो सारी ये बेर साहब का स्थान है असी पहला ही दर्शन कर चुके हैं तो इतों भी असी इधर खब्बे हाथ वापस आ सकते हैं जी। तो जदों ही गुरद्वारा साहब के खब्बे हाथ तो असी आने तो इधर गुरु का लंगर जिहड़ा बनया है जी। इत्थे गुरु के लंगर का जिहड़ा बोर्ड है वो लगाया होया ऐ देखो जी गुरु का लंगर इधर है। सो इत्थों जाके ओ बिल्कुल लास्ट ते जिहड़ा गेट नज़र आ रहा है गुरु का लंगर। आओ संगत जी अगे वधदे हां जी। हाँ जी संगत जी इधरों भी बहुत वधिया जिहड़ा गुरद्वारा साहब का व्यू नज़र आ रहा है। ये जिहड़ी कार सेवा चल रही है उन्होंने साधन सारे उस तो बिना और देखो एंट्री गेट सुख आसन साहिब का स्थान तो दरबार साहब की मेन बिल्डिंग। सो ये थोड़ा जा गुरद्वारा साहब के आप कह सकते हैं खब्बे हाथी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो ये रास्ता जिहड़ा असी उधरों आए सी ये मैं तुहानूं दिखाउणा है ये वाला रास्ता आए हैं गुरद्वारा साहब के बिल्कुल खब्बे हाथ तो ये रास्ता आ के ए बनिया जी गुरु का लंगर। गुरु का लंगर के नाल ही असी बिल्कुल फिर अगर खब्बे हाथ जाने तो जिहड़े कार सेवा चल रही है दिल्ली वाले बाबा जी वालों तो उन्होंने भी अगे इधर जिहड़ा स्थान बनाया होया आज थानू उहदे भी दर्शन कराने। आओ जी अगे वधदे हां कार सेवा वाले स्थान वल। हाँ जी संगत जी ये कार सेवा वल स्थान सो खंडा साहिब सुशोभित। सो गुरद्वारा देगसर साहब पातशाही छेवीं दसवीं गुरु साहब दियां जिहड़ियां शानियां साम के बाबा जी दियां फोटोआं सारा इत्थे मत्था टेक सकदे हां असीं कार सेवा वाले स्थान वल। दे नाल ही इधर कार सेवा वालों लंगर का प्रबंध।
हाँ जी संगत जी, सो असी दर्शन करके गुरु का लंगर छक के ते बाहर आ गया गुरद्वारा श्री कटाणा साहब, गुरद्वारा श्री देगसर साहब। तो आप कह सकते हैं कि गुरद्वारा साहब के बिल्कुल ऑपोजिट ऐ वो जगह बनी हुई है जिहड़ी अंग्रेजा ने बनाई सी। इनू उस तरीके दे विच बनाया होया है, देखो उपर चढ़ के जगह जिहड़ी ये अंग्रेजा ने बनाई सी जगह। कहिंदे उन्हां दा ये सोचना सीगा भी जिहड़ा गुरद्वारा साहब है वो इधर बनना चाहिए, उन्होंने जानी ये सोचा सीगा। ऐ देखो ये जगह, लेकिन इतिहास के तौर पर संभाल के रख्या है, पर कहिंदे इत्थे कदे भी कोई भी प्रकाश नहीं हो पाया। ये जगह जिहड़ी हैगी आ एवें दी एवें ये बनी रह गई है। सो इदां ये थोड़ियां पौड़ियां बनिया इनू चढ़न दे लई। सो ये जगह बनाई सी मिस्टर स्मिथ जां उन्हां दी जिहड़ी सरकार सी उस टाइम दी, उन्होंने लेकिन प्रकाश नहीं हो पाया इत्थे कदे भी, ये दस्या जांदा इतिहास दे विच। देखो इस जगह दे बिल्कुल ऑपोजिट सामने नज़र आ रहा जी गुरद्वारा श्री देगसर साहिब। सो देख सकते हो तुसीं, ये तुहानू शुरू दे विच भी दिखाया सीगा जिहड़ा बीबियां लई ते पाइयां लई जिहड़े बाथरूम है गुरद्वारा साहिब दे बाहर, अंदर भी बने हुए है, ते सारा पार्किंग दा स्थान बड़ा खुला जिहड़ा रमणीक नहर दे किनारे बसिया होया स्थान, बहुत ही जिहड़ा हैगा दिल लगवाउण वाला स्थान। वाहेगुरु जी सच्चे पातशाह जी आओ जी वापसी वल वध दिया जी। हाँ जी संगत जी, ये वापसी का रास्ता जी, दो पुल बने हुए आ, एक पिंड जिहड़ा कटाणा साहब की एंट्री तो असी एंट्री की सी, ते रास्ते तो असी वापस आए हैं। सामने वीडियो दे विच फ्रंट तो जिहड़ा खब्बे हत्थ रास्ता, इधरों असी गुरद्वारा साहब तो वापस, तो यह देखो यह पुल जांदा है, ठीक है जी, उही नहर जिहड़ी तुहानू पहलां दिखाई सी। सो इधरों एंट्री भी कर सकते हैं, ये नहीं हैगा कि हाँ इतों कोई वापसी होनी जरूरी है जा कुछ भी है। सो एंट्री भी हो सकती है, दो रस्ते जाते हैं, यह जिहड़ी सरहंद नहर, ठीक है, जिदे जिदे करके वो बेरसर साहब नूं जिहड़ियां अंग्रेजां वल्लों सट्टां मारियां गईयां सी। सो इधर जिहड़ा वो गुरद्वारा साहब सारा बनिया होया नहर के किनारे पंछियों के लिए जिहड़ा हैगा संगत ने, सो बहुत जिहड़ा समान खाण पीण दे लई पाया, ते सरहंद नहर जी। सो उम्मीद करते हैं जी तुहानू अज दा ब्लॉग पसंद आया होगा, हलाशेरी दे लई जिहड़ा सबसक्राइब शेयर ते लाइक बहुत जरूरी है, कमेंट कर दिया करो, वीडियो नू शेयर कर दिया करो, वध तो वध संगतां ने जिहड़ियां वीडियो नू देख सकन, गुरद्वारा साहब दे दर्शन कर सकन। सो जल्दी ही जिहड़ा नवें ब्लॉग दे नाल एक नवे इतिहासक धार्मिक स्थान दे विच जल्दी ही मिलदे हां, उदों तक लई सारिआं नू सति श्री अकाल जी, बहुत बहुत सारे का धन्यवाद जी।